सबसे पहली बात, इस बात को समझने की जरूरत है आप लोगों को कि ऐसे लोग सिर्फ आपकी जिंदगी में नहीं है, वो हर एक व्यक्ति की जिंदगी में है। वो यहाँ भी है, दूसरे देशों में भी है, आप जहां भी जाएंगे ऐसे लोग आपको मिलेंगे ही। और ऐसे लोग तो इतने ज्ञानी होते हैं कि वो ब्रह्मा जी को जाकर भी सलाह दे सकते हैं कि ब्रह्मा जी, किस फूल को आप इस हाथ में क्यों पकड़ के रखे हो? आप इस हाथ में पकड़ेंगे तो ये ज्यादा अच्छे लगेंगे। ये किताब आपने इस हाथ में क्यों पकड़ी है? इसे सामने रखिए, बहुत अच्छे लगेंगे। अरे आप इस फूल पर क्यों बैठे हैं? आपको कहीं और बैठना चाहिए। तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं, ये अपने ज्ञान को हर वक्त बांटने की कोशिश करते हैं। अब आपको दे दिया तो किसी और को देंगे, किसी और को दे दिया तो फिर अगले व्यक्ति के पास जाएंगे। ऐसे व्यक्ति आपको हर जगह मिलेंगे। मान लीजिए कि आप कभी ना कभी जिम गए होंगे, तो जब जिम जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति अक्सर आपको वहां पर मिलेंगे जिसकी खुद की बॉडी नहीं है, जिसके खुद के एब्स नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति एब्स की एक्सरसाइज कर रहा होगा तो उसको ज्ञान देंगे कि एब्स ऐसे नहीं, ऐसे मारे जाते हैं। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चेस्ट की एक्सरसाइज लगा रहा है, अब खुद का चेस्ट है नहीं, वो सुकड़ा सा व्यक्ति है, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देगा कि भाई चेस्ट ऐसे नहीं, ऐसे लगाते हैं। तो ये अपने आप को समझदार दिखाने की कोशिश करते हैं। अब होता यह है कि ऐसे व्यक्तियों के दिमाग की खुराक होती है आप जैसे लोग। वो क्या करते हैं कि उन्हें अपना ज्ञान तो बांटना ही है। अब मान लीजिए कि आप उनके पास नहीं जाते हैं तो वो आपके पास आ जाते हैं, आपको ज्ञान देंगे कि बेटा क्या पढ़ाई कर रहे हो, अरे ये क्यों कर रहे हो, अरे वो क्यों कर रहे हो, अरे इससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मैं जो बताता हूँ वो करो। तो इस प्रकार के ज्ञानी लोग हर कहीं अपने ज्ञान को झाड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक से टिप्स बताता हूँ जिससे आप ऐसे लोगों से बिल्कुल बच सकते हैं। देखिए, ज्ञान बुरा नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि आपको ज्ञान देने आता है और उसमें से कुछ काम की चीज यदि आप सीख लेते हैं तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ऐसे लोग जब भी आपके पास आए और अपने आप आ जाए, आप उन्हें निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, अपने आप आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसमें से जो ज्ञान की बातें आपके लायक है उसे रखिए और बाकी चीजों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब सबसे पहली और जरूरी चीज ये है कि आपको तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। उन तथ्यों को आपको अलग अलग करना होगा। कई बार हम किसी व्यक्ति से ज्ञान लेते हैं तो पूरा का पूरा ले लेते हैं। आप तथ्यों को अलग नहीं करते हैं, फैक्ट्स को अलग नहीं करते हैं कि कौन सी चीज सही कही गई है और कौन सी चीज गलत कही गई है। और कई लोग इसी वजह से परेशान हो जाते हैं। अब आज आप सभी लोगों को पता है कि आज का जमाना इंटरनेट का जमाना है। आप बहुत ही आसानी से ज्ञान को रेक्टिफाई कर सकते हैं कि जो बात सामने वाले व्यक्ति ने कही थी वो सही है या गलत है, और मेरे लक्ष्य में ये बातें काम में आ रही है या नहीं आ रही है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बार आप में एक आदत होती है हाँ कहने की। आप जो भी चीज आपको अपने लाइफ में दिखती है आप उसे हाँ कह देते। कोई व्यक्ति आपको मिला, उसने कहा आपको ऐसा करना है, आपने कह दिया हाँ। किसी व्यक्ति ने कोई और चीज कही, उसे आपने कह दिया हाँ। तो आपको अपनी ये वाली आदत भी बदलनी होगी। आपको सिर्फ उन चीजों के लिए ज्यादातर हाँ कहना चाहिए जो आपके लक्ष्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो आपका दिन का एक रूटीन फिक्स होता है। उसके अलावा जब लोगों को आप बार बार हाँ कहने लगते हैं तो लोगों के दिमाग में एक बात डल जाती है कि ये व्यक्ति तो फुर्सत में है, इसे आप कभी भी अपने साथ ले जा सकते हैं या फिर इसे कोई भी काम करवा सकते हैं। तो इस बात को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। अब एक बात और समझिएगा कि ऐसे लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को ज्यादा परेशान करते हैं जो व्यक्ति इनकी बार बार बातें सुनता है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये व्यक्ति मेरी बहुत बार बातें सुनेगा, मेरी चापलूसी करेगा, मेरे आगे पीछे घूमेगा। तो यदि आप इनसे बार बार सलाह मांगेंगे, इनके पास जाएंगे, इनसे मिलेंगे, तो ये आपको बार बार सलाह देंगे। जबकि यदि इनसे आपको दूर रहना है तो 1, 2, 3, 4 बार आप इन्हें इग्नोर करके देखिए, आप इनकी बातों को ना मान के देखिए, आप इनसे थोड़ा सा कट के रहिए, तो ये बिल्कुल अपने आप ही आपसे दूर हो जाएंगे। हाँ, इसमें एक चीज ये जरूर कर सकते हैं, यदि आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो दूसरे लोगों से वो आपकी बुराई जरूर कर सकते हैं कि देखिए वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है। लेकिन आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि उस व्यक्ति को आपने इग्नोर किया है। नए बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है जो अपने जीवन में एकदम इनिशियल स्टेज पर है, तो उन्हें ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कौन सी चीज मेरे लिए सही है और कौन सी चीज मेरे लिए सही नहीं है। तो अक्सर लोगों के पास जाकर अपने ज्ञान की पूर्ति करते हैं। अब इसमें जिम्मेदारी आपकी भी है कि आपको किसे ज्ञान लेना है। अब आपको बनना डॉक्टर है लेकिन आप इंजीनियर के पास चले जाएंगे तो होगा क्या? क्या वो सही सलाह दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, थोड़ी सलाह बिल्कुल दे सकता है, लेकिन एक परफेक्ट जो जानकारी है वो आपको एक डॉक्टर से ही मिलेगी, क्योंकि उसने उस चीज को करके दिखाया। अब सचिन तेंदुलकर के पास जाकर यदि आप पूछेंगे कि आलू कैसे उगते हैं तो शायद वो आपको मना कर देंगे कि उनको नहीं पता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो किस फील्ड के बारे में बेहतर जानते हैं। तो वो कहेंगे यदि आपको मुझसे क्रिकेट के बारे में जानकारी चाहिए तो बिल्कुल मैं आपको दे दूंगा। और सच्चे और अच्छे व्यक्ति होते भी ऐसे हैं, जिनके पास सच में ज्ञान होता है वो अपने ज्ञान को हर किसी को नहीं बांटते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति उनके पास आता है और वाकई में उन्हें यदि ज्ञान की जरूरत होती है तो ही वो देते हैं, अन्यथा वो शांति से अपना काम करते रहते हैं। इस बात को समझाने के लिए कहानी भी सुनाता हूँ। थॉमस अल्वा एडिशन, जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए थे और उनके बल्ब का आविष्कार बहुत ज्यादा फेमस है, उनसे एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज आप किस चीज को मानते हैं। तब उन्होंने जवाब दिया कि बचपन से ही किसी कारणवश मेरे कान खराब हो गए थे, मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता है और शायद वही मेरी सफलता का कारण है। इंटरव्यूअर ने पूछा कि ऐसे क्यों कह रहे हैं, आपके कान खराब है तो वो तो एक गलत चीज है। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे लिए बिल्कुल ही सही है। जिस टाइम पे लोग फालतू की बातें करते रहते हैं मेरे बारे में तो वो मुझे सुनाई नहीं देती, और जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, जिस वक्त को लोग फालतू की बातें करने में गुजारते हैं वही समय मैं इन आविष्कारों को करने में लगा देता हूँ, और शायद यही कारण है कि मैं आज सफल बन सका। यदि मेरे कान ठीक होते तो शायद मैं भी एक नॉर्मल इंसान होता, क्योंकि लोगों की बातें, उनके ताने और जो भी बातें मेरे बारे में कहते उनके बारे में मैं बहुत ज्यादा सोचता और शायद यहां तक नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए लोगों की बेकार की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, अपने काम की और अपने लक्ष्य की और पूरा ध्यान लगाइए और